बैंकिंग सेक्टर कैपिटल मार्केट्स में जा सकती है, उससे पैसे आएंगे बैंकिंग में. जब लिक्विडिटी बढ़ती है बैंकिंग सेक्टर में, तब भी हमें इस इंटरेस्ट रेट रिडक्शन का फ़ायदा हो सकता है, और इंटरेस्ट रेट नीचे घटने से इन्फ्लेशन पर असर पड़ सकता है. तो इनमें काफ़ी कोई तरीके हैं जो शॉर्ट टर्म में नहीं पर लॉन्ग टर्म में ला सकते हैं. एग्री फूड्स, फूड प्रोसेसिंग में भी उन्होंने काफ़ी कुछ इंट्रोड्यूस किया है, उसका भी फ़र्क फूड इन्फ्लेशन पर आएगा. तो जो आप देखिए, जो मीडियम टर्म इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन पर ज़रूर बजट में इंक्लूड हुए हैं.